चौपाल का सगला दर्शिका ने राम राम सा। भाई दर्शक भाई बहनों, शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समाज के सशक्तिकरण के लिए सबू पहलो और सबू महत्वपूर्ण साधन है। एक महिला ने शिक्षित करने को अर्थ है, एक समाज ने शिक्षित करनो, एक परिवार ने शिक्षित करनो, एक कुटुंब ने शिक्षित करनो। अगर आपने सामाजिक विकास करनो है तो आपने महिलाओं के स्वास्थ्य को, बाकी कुशलता को और बाने आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है और वो शिक्षा ही संभव हो सके। आप आ कह सका जी तरीकाओं सफलता की सीढ़ी मेहनत है, बी तरीकाओं सफलता की जो चाबी है बस शिक्षा है। तो आइए आज की चौपाल के माध्यम हो जाना, महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कितनी ज़्यादा आवश्यक है और इस विषय पे जानकारी देबा खातर आपने सागे जो मेहमान पधारा है वे है उर्वशी बैरवा जी। आपको उर्वशी जी वहाँ के चौपाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रधानाचार्य है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के मायने। इसके साथ साथ आपने सागे जो दूसरा मेहमान पधारा है वे है सरला कुमावत जी, जो कि सरपंच है ग्राम पंचायत आसलपुर जोबनेर के मायने। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मके कार्यक्रम में। आज आप महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की महत्वता के बारे में जान रहा। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरला जी सबू पहलिया मैं आप वो जानना चाहूँ कि आपके हिसाब सशक्तिकरण को काई अर्थ है। देखिए, बात की जाए अगर नारी के सशक्तिकरण की तो सबसे पहले आती है उसके विकास के बारे में कि उसका भौतिक रूप से विकास अच्छा हो, आध्यात्मिक विकास अच्छा हो, सामाजिक विकास अच्छा हो और आर्थिक रूप से भी वो संबल हो। उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तल से तो उसमें आएगा कि नारी को अपने अधिकार लेने का अधिकार प्राप्त हो, वो अपने सारे जितने भी उसको चाहे दैनिक दिनचर्या के अधिकार हों, चाहे जो भी निर्णय हों वो सक्षम रूप से वो स्वयं ले सके। उसके लिए आज हम उसको स्वतंत्र अधिकार प्रदान करें और साथ ही उसको एक ये भी है कि संबल भी प्रदान किया जाए, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो चाहे सामाजिक तौर पे हो, उसको एक संबल मिले जिससे वो आगे बढ़ करके अपने संपूर्ण काम कर सके। जी बिल्कुल सरला जी, बहुत बढ़िया आप बात बताइए कि और आधुनिक काल के मायने सबने अपने विचार ने रखने की स्वतंत्रता है और महिलाओं ने भी पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि महिला जन्म हुई सशक्त है लेकिन आवश्यकता है बाने मांगा अधिकारों के बारे में जानकारी देने की, बाने मांगा अधिकारों के बारे में ज्ञान होने की। इसके साथ साथ उर्वशी जी मैं भी आप भी वही जानना चाहूँ कि आपकी नजरा में सशक्तिकरण को काई अर्थ है। देखिए, मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में तो सशक्तिकरण महिला का वही है जिसमें कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के प्रति हमारी जो जागरूकता है और उसको हमारे समाज में लाना और हर महिला हर बच्ची इसके बारे में जानकारी रखती है और उसका उपयोग करना जाने, उसी अवस्था को मैं महिला सशक्तिकरण मानती हूँ। प्राचीन काल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार हुआ करते थे, किंतु मध्यकाल आते आते अत्याचार और बढ़ते गए और आधुनिक में हमने देखा कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ रहीं, जैसे दहेज प्रथा रही, बाल विवाह रहा, इतनी सारी कुरीतियों के साथ महिलाओं का जो अवस्था और व्यवस्था वो बिगड़ती चली गई। तो इस ओर से समस्त जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने अपने अपने और सामाजिक संगठनों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए और संविधान के दिए हुए जो दायित्व हैं, जो अधिकार हैं, उनसे उनको जागरूक करवाया और उसी को मैं मानती हूँ, उसका संपूर्ण विकास, एक स्त्री का संपूर्ण विकास ही महिला सशक्तिकरण को मैं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि नारी में जब सब गुण हैं तो क्यों कहें हम उसे बेचारी, इसी को मेरी नज़र में महिला सशक्तिकरण है। जी बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जब नारी के अंदर सभी गुण हैं, जब एक नारी अपने परिवार ने एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में अपने परिवार ने बहुत अच्छी तरीके से संभाल सके, एक आत्मनिर्भर महिला है, तो सशक्तिकरण की जो आवश्यकता है वाय क्यों पड़ी, इसके बारे में आप बताओ। देखिए, सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि नारी को पहले तो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो अपने अधिकारों को जानेगी नहीं, पहचानेगी नहीं, तब तक वो अपना स्वयं का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं कर सकती। धीरे धीरे जब उसको बताया जाएगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षा की ओर चलना पड़ेगा। जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी उसको अपने अधिकारों के बारे में किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं होगा।
जब तक नारी को किसी प्रकार से उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, वो संबल नहीं हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य घूम फिर के वही जाता है कि बालिका शिक्षा या नारी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है नारी सशक्तिकरण में। यदि नारी शिक्षित है तो आज हमारा घर शिक्षित है, परिवार शिक्षित है, समाज शिक्षित है। बिल्कुल सही बात है सरला जी, अगर एक महिला शिक्षित है तो पूरा समाज शिक्षित है और देश के विकास के अंदर महिलाओं को खास योगदान भी है। और एकदम सही बात आप उर्वशी जी बताइए कि एक समय यान को हो जब नारी की पूजा की जाती है, नारी ने बहुत सम्मान दिया जाता हो, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी और नारी के साथ बहुत सारा अत्याचार होने लगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। जी हाँ, अभी आप बताई हो कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप एक प्रधानाचार्य है एक स्कूल में, तो मैं आपको जानना चाहूँ कि आपकी नज़र में एक महिला के सशक्त होने के लिए शिक्षा की कितनी ज़्यादा महत्वता है। देखिए, हमारे विद्यालय में आज 500 बच्चियाँ हैं। जब मैं प्रिंसिपल बनी थी तब बच्चियाँ, मतलब जिस विद्यालय में मैं आई थी, 350 थी। तो ये जागरूकता तो बढ़ रही है शिक्षा के प्रति, जो बच्चों में जो एक बढ़ रहा है ना उत्साह, वो बहुत सारे सामाजिक संगठन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से भी बढ़ रहा है। कुछ योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं और अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं सरकार की तरफ से, जिससे बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है। और कुछ सोशल मीडिया का भी असर हो रहा है। जब महिलाएं जो घर में चूल्हा चौकी करती थी, इतने अत्याचार, पति की मारपीट भी सहती थी, गाय बकरी इनको पालन करना और जाके खेतों में काम करना, उसको कोई अपने अधिकार प्राप्त नहीं थे और वो उसके प्रति कोई जागरूक नहीं थी। किंतु अब जब जैसे जैसे देख रही है कि बच्चियाँ 10वीं 12वीं भी पढ़ के इतनी शिक्षित हो रही हैं, 10वीं 12वीं आप मानिए कि 10वीं 12वीं पढ़ी हुई बालिकाएं भी अब इतनी ज़्यादा अपने आप को समझदार मानती हैं, मानती नहीं है, उन्हें वास्तव में ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि दुनिया के बारे में वो जान रही हैं। क्योंकि अगर वो इतिहास पढ़ रही हैं तो विश्व का भी पढ़ रही हैं और भारत देश का भी पढ़ रही हैं। अगर वो राजनीति पढ़ रही हैं तो राजनीति अपने राज्य की भी पढ़ रही हैं, अपने देश की भी पढ़ रही हैं। इसी प्रकार से अनेक जो लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी उनका एक विषय होता है, उसको पढ़ रही है, विज्ञान में क्या क्या आविष्कार हुए उसके बारे में पढ़ रही है। तो इन चीज़ों से देखिए जागरूकता तो आती है, बालिका सक्षम होती है जब उस चीज़ की उसको ज्ञान आता है, तो उस चीज़ को वो अपने घर पर भी अप्लाई करती है, अपने छोटे भाई बहनों को भी वो गाइड करती है। तो इस प्रकार से पूरा परिवार ही शिक्षित होता है तो आप देखिए समाज में एक अलग ही उसकी पहचान होती है, और शिक्षित होने पर ही हमारा राष्ट्र हमारा विकसित होगा। तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है ही बालिकाओं के लिए, यदि उसे सक्षम होना है। बिल्कुल उर्वशी जी, अगर एक बालिका शिक्षित है तो वह आपके अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में बहुत अच्छी तरीकों जानकारी रखे, बिन ठाए के बिन की तरीकों कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह है। इसके साथ मैं आप भी एक चीज़ पूछबो चाहूँ कि अपन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो देखा कि आज ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिए जा रहे हो, तो इस पर आपको काई विचार है? देखिए, बालिका शिक्षा की जहाँ तक बात की जाएगी तो आज अगर हम बात करें राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई है जिसके माध्यम से हम कन्याओं को या बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देते हैं। कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिनमें सभी बच्चों के लिए, जैसे RTE राइट टू एजुकेशन हमारा एक्ट है, उसके तहत 8वीं तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उसमें आज जो राज्य सरकार है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नया कदम उठाया है, वो ये कि उन्होंने 9 से 12 तक सिर्फ बालिकाओं के लिए इस एक्ट के थ्रू फ्री शिक्षा उनको वर्तमान में दिलवाने की कोशिश की है, और बहुत ही सराहनीय ये उनका कार्य है। साथ ही उसके अलावा मैं जो चीज़ अपने लेवल पर करना चाहती हूँ उसमें ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में अगर कोई निरक्षर ना रहे, सभी व्यक्ति साक्षर हो, चाहे वो प्रौढ़ महिलाएँ हों चाहे युवावस्था में हों। तो युवा में तो मैक्सिमम सब पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर भी होते हैं, लेकिन कुछ प्रौढ़ और कुछ जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए हमने ये सोचा है या एक अपने माइंडसेट किया है अभी इसके बारे में कि हम एक ऐसी स्कीम चलाएंगे जो युवा साथी हमारे बेरोजगार हैं कुछ, उनको लेकर के 10-10, 20-20 के ग्रुप में उनको उनकी कॉलोनी या उनके घर तक उनकी शिक्षा पहुँचा करके उनको किसी भी प्रकार से बस साक्षर कर दिया जाए, ताकि वो अपने बारे में समझें, अपने कर्तव्य के बारे में समझें, अपने अधिकारों के बारे में समझें। जी सरला जी, बहुत बढ़िया कार्य आप कर रहे हो कि आप एक समूह बना, एक छोटा सा ग्रुप बना, जगह जगह जा शिक्षा जो प्रचार है वो बालिकाओं के लिए कर रहे हो। इसके साथ अगर आप आत्मनिर्भरता की, महिला आत्मनिर्भरता की बात करें, तो महिलाओं ने आत्मनिर्भरता बनाने के लिए आप ग्रामीण स्तर पर की तरीकों जो है वो प्रचार कर रहे हो, कि तरीकों आप कार्य कर रहे हो? ग्रामीण महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो वर्तमान में जैसे कि हमारी सबसे बड़ी योजना सभी गांवों में चल रही है, वो है मनरेगा योजना, जो कि अशिक्षित महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। सभी महिलाएं
अपने बल पर खड़े होने के लिए उसमें अपना 100 दिन का रोजगार प्राप्त करती है। उसके अलावा मैंने अभी लेटेस्ट सरपंच बनने के बाद जो प्रोसेसिंग की है उसमें हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं उनसे, उनमें श्री सीमेंट प्लांट है या कुछ और भी प्लांट्स हैं, उनसे जो उनका CSR फंड होता है उसके थ्रू रिक्वेस्ट करके और उनसे अप्रोच बाय एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाए हैं। उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर आपका ब्यूटिशियन का भी आता है जिसमें उनको ब्यूटी पार्लर का फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके अलावा अपने जयपुर से है आवास फाउंडेशन है एक, और एक ऊषा सिलाई मशीन, ये दोनों ग्रुप मिलकर के भी वहाँ की महिलाओं को सिलाई का जो है मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। उससे वो क्या करेंगी, आगे जा कर के अपना स्वयं का काम भी करेंगी और साथ ही आत्मनिर्भर भी हो सकेंगी। इसके अलावा अगर बात करें हम तो कुछ ऐसे हमने स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं छोटे छोटे, जो कि आपस में कुछ अपना पेमेंट वगैरह उनको कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको कंट्रीब्यूट करने के बाद जिस व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता होती है इस महीने उसको कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरा पैसा। उसके बाद फिर वही सेविंग्स, वही अगले मंथ पर वही प्रोसेस होता है, सभी महिलाएं अपने सेविंग्स के अकॉर्डिंग फिर जिसको आवश्यकता होती है, इस प्रकार हम उनको आपस में जिस भी व्यक्ति को या जिस भी महिला को इस चीज़ की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए या अपने कोई लघु उद्योग खोलने के लिए या कोई कुटीर उद्योग खोलने के लिए या घर के किसी काम काज के लिए, तो उसको ऐसी आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कह सका कि जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं माने इस तरीका को प्रशिक्षण दियो जा रहे हो है कि वे आपको स्वयं को कोई छोटो मोटो उद्योग खोल या पापड़ को आजकल पापड़ बनाने को, मंगोड़ी बनाने को, सिलाई बुनाई को, बहुत सारे काम यहाँ कर महिला जो है वह आत्मनिर्भर बन सके है, सशक्त बन सके है। इसके साथ साथ उर्वशी जी यहाँ अबार बतायो है कि भाई इस तरीका ग्रामीण क्षेत्र का मायने महिलाओं ने प्रशिक्षण दे लघु उद्योग वगैरह खोलने को जो है वो दियो जा रहे और महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनाया जा रहे हैं। मैं आपको जानना चाहूँ कि आज डिजिटल युग है, आज सब काम जो है वो ऑनलाइन हुआ है, तो जो आपके विद्यालय की अगर आप हम बात करें तो विद्यालय में बालिकाओं ने कंप्यूटरों की तरीकों में जोड़े जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे संविधान निर्माता को मैं नमन करना चाहूँगी, B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे को ये अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए। तो उन अधिकारों को हम वास्तव में अप्लाई करें अपने समाज में, इसके लिए सरकार द्वारा भी और कई सारे ऐसे चलाए जा रहे हैं, जैसे कि एक Smile 3 योजना आई थी हमारे, जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बच्चे संपर्क नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माता पिता रोजगार उनका छूट गया था, कोई गाँव चले गए थे, बहुत हालात ख़राब थे। तो ऐसे में सरकार ने जो अपना इनिशिएटिव लिया वो ये लिया कि बच्चों को ऑनलाइन जोड़ना, कि और ये टीचर्स को और प्रिंसिपल को जिम्मेदारी थी कि आप चाहे घर घर जाएं। कोरोना काल में भी हमारे टीचर्स ने, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, शिक्षा विभाग के जो हमारे अध्यापक अध्यापिका हैं उन्होंने संपर्क किया और वो घर घर गए, टीम बना के, हमने टीम बनाई प्रिंसिपल्स ने, और उनको पहले तो जोड़ा और फिर Smile 3 पे उनको सारे मैसेजेस, यानी जो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए गए जो हमारे लेसन प्लान्स थे वो सारे हमने बच्चों को ऑनलाइन ही पहुँचाए। इससे देखिए आप बच्चे सक्षम हो गए यूट्यूब चलाने में, अपना फ़ोन चलाने में, गलत चीज़ों के लिए नहीं, अपने आप को विकसित करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। इससे देखिए आप उनकी कितनी जानकारी हुई और कोरोना काल में उनका समय भी ख़राब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो आज इतने, कहना चाहिए इतने विकसित हो गए हैं, उनकी सोच इतनी बड़ी हो गई है कि वो आज विभाग की तरफ से कोई भी ऑनलाइन या किसी भी प्रकार की योजना आती है तो उसको वो तुरंत समझ जाते हैं और टीचर्स के माध्यम से उनसे जुड़कर वो उस पर काम करते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों का ये विकास भी एक अनोखी पहल है। और देखिए आर्टिकल्स हैं अपने संविधान में जिसमें महिलाओं को, हम कई बार नो बैक डे भी अब चलाया गया सरकार के द्वारा जो हम शनिवार को होता है, तो उसमें एक महान हस्तियों के बारे में भी हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए संविधान निर्माता है या इंदिरा गांधी जी हैं या PT Usha है या Marycom है, जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनके अच्छे गुणों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में हम उनको परिचित करवाते हैं। इससे बच्चों में क्या उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है तो उनको भी लगता है कि हमारे जो पिछले वह जो हमारे माता पिता ने या जो हमारी माँ ने, हमारी दादी ने जो फेस किया वो चीज़ हम फेस नहीं करें और हम आगे बढ़े शिक्षा प्राप्त करके। हम उनको समय समय पर समझाते रहते हैं कि बेटा शिक्षित होगे तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा। वो कई बार टीचर्स को देख के भी बड़ा वो होते हैं कि भाई अच्छा पहनती हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छा कमाती हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम कितना वेतन मिलता है क्या, तो हम बल्कि उनको प्रेरणा देते हैं, हम कहते हैं देखो तुम्हारा जीवन भी ऐसा बनना बन सकता है यदि तुम भी इसी तरह से शिक्षित हो जाओगी। तो शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है, बच्चे समझते हैं और इस ओर चाहे संचार माध्यम के माध्यम से या किसी भी प्रकार से वो प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं।
सरला जी, उर्वशी जी बहुत बढ़िया बात बताई है कि बालिकाओं ने शिक्षा देने के साथ साथ बने आपा ने आत्मविश्वास दिलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आत्मविश्वास आपा माने तभी दिला सका जब आपा माँ के सामने इन की महिलाओं को नाम लिया जो देश के लिए विश्व के लिए खूब गोल्ड मेडल ले रही है। आज औरतें कहीं नहीं कर रही है, आज औरतें हवाई जहाज चला रही है, आज देश के लिए गोल्ड मेडल ले आ रही है, हर जगह जो महिला है वो अपनों परचम ले आ रही है और पुरुषों कंधों कंधों मिला चल रही है। सरला जी, अगर आप बात करें आपकी कि आप एक सरपंच के पद पर कार्यरत है, तो मैं आपको जानना चाहूँ कि अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अपन देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो पुरुष है वे ही सरपंच बने हैं, और अगर कोई महिला सरपंच बन भी गई तो अपन देखा कि जो पुरुष है वे आपकी जो विचारधारा है बा ज़्यादा बांकी जो विचार है वे ज़्यादा बन महत्व दियो जावे। तो आप अपना विचार की तरीकाओं एक सरपंच के रूप में रखो हो। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आज की महिला इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो हर क्षेत्र में अपना नाम आगे से आगे बढ़ा रही है, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ, चाहे एजुकेशन में चले जाएँ, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में चले जाएँ। उसके साथ ही अगर बात करें राजनीति की, तो सबसे धरातल का जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत स्तर। उस पर सरपंच जो होता है बिल्कुल धरातल से जुड़ा होता है, राजनीतिक अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य की। तो सरपंच की जहाँ तक बात आती है, तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा और खुशकिस्मत समझती हूँ इस मामले में कि मेरा ग्रामीण क्षेत्र और परिवेश भी बहुत अच्छा है। उसमें जाकर के अगर आप बात करें डिसीज़न लेने की, तो सबसे पहले मैं अपने डिसीज़न जितना हो सके स्वयं लेना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कहीं लगता है या किसी कोई ऐसा कार्य है जिसमें मुझे निर्णय लेने में कहीं कोई कठिनाई आ रही है, तो मैं अपने टीम मेंबर के साथ, जो कि हर मंथ में मीटिंग हमारी फिक्स होती है, तो उस मीटिंग के दौरान उसके बारे में डिस्कशन करूँगी वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, उप सरपंच हैं, उन सभी से। और उसके पश्चात भी अगर मुझे जवाब संतुष्टिजनक नहीं लगता है, तो समाज में जो कुछ अच्छे और उठे हुए या मजबूत या कह सकते हैं कि वयोवृद्ध जो व्यक्ति हैं, उनसे मैं इसके बारे में एक बार राय लेना पसंद करती हूँ, और उसके बाद मैं स्वयं ही उस पर निष्कर्ष लेती हूँ कि किस प्रकार से मुझे इस योजना को या इस कार्य को पूर्णतः अंजाम देना है। जी सरला जी, जी अभी आप बताओ कि आप अपना जो विचार है वे खुला रखें और जो अंतिम निर्णय है आप स्वयं ले रहे, सिर्फ आप राय लोगों को ले रहे। मैं आपको एक और चीज़ जानना चाहूँ कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं बने आत्मनिर्भर, मतलब कहें ना सशक्त बनाने के लिए आप की तरीकों बने कहीं संदेश देना चाहे कि वे महिला सशक्त बने, अपने निर्णय जो है वे स्वयं ले रहे, दूसरा पे अपने निर्णय लेने के लिए निर्भर नहीं रहे हुए। देखिए, महिलाओं को सशक्त होने के लिए पहले स्वयं को जागरूक होना ज़रूरी है। जब तक वो स्वयं अपने लिए नहीं उठेंगी, तब तक आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हाथ पकड़ के कि लो आओ आपको उठा करके मैं कहीं खड़ा कर दूं। सबसे पहले आपको अपने बल पर खुद खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद सबसे पहले आपको अपने पारिवारिक रूप में, आपके घर में, उसके बाद समाज में, तब जा करके आप कहीं अपनी कोई पहचान बना पाती हैं। जैसे आज मैडम है, मैडम भी सक्षम है, आप भी हैं, तो अच्छी बात यह है कि सभी लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करके घर समाज से बाहर निकल करके फिर हमने कहीं जाकर के कोई एक पद या कोई अचीवमेंट प्राप्त किया। तो सभी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, उनकी पहचान ज़रूरी है, उसके दम पर फिर उन्हें खड़े होकर के अपने अधिकारों को मांगने की एक उनमें हिम्मत होनी चाहिए। हालांकि नारी में कहने की बात है कि नारी कभी कमी नहीं रही, अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक। अतीत काल में भी जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्रार्थ की बात कर लें तो उनमें भी गार्गी, मैत्रेयी ऐसी कई महिलाएं रही, विदुषियां रही, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अच्छे अच्छों को पछाड़ दिया था। उसके बाद बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल का तो ये था कि उसमें कहीं ना कहीं जो मुगल आक्रांतक हैं उनके द्वारा हमारा जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें कुछ परिवर्तन आए, और उसी के कारण महिला जो है संकुचित हो गई, उसको बेड़ियों में जगड़ के रख दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, नारी को दुर्गा, सरस्वती, इनका रूप माना गया है कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी नारी है। तो उसके रूप में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी के रूप में अगर हम माने, तो आज महिलाएं आर्थिक रूप से खुद पर अपने आप सक्षम भी हैं और संबल भी है, अपने सभी आर्थिक कार्यों को अपने अच्छे से अंजाम देती है। आज वो कहीं भी जाएं अपना खुद का खर्चा उठाने में भी सक्षम है, अपने परिवार चलाने में सक्षम है, साथ ही उसके अलावा अगर कहीं आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें भी महिलाएँ आगे से आगे अपना कदम बढ़ा रही हैं। साथ ही बात करें अगर सरस्वती की, तो एजुकेटेड विमेंस हैं, बहुत अच्छा शिक्षा स्वयं भी ग्रहण कर रही हैं। आज आप भी जानते हैं कि यहाँ सभी जो हैं आज
छोटे से छोटे घर में भी अगर हम बात करके चले तो महिला आपको एमए बीएड मिल भी जाएंगी। तो इसके बाद बहुत अच्छी जो शिक्षा है वर्तमान में, चाहे वो राज्य सरकार की देन हो चाहे केंद्र सरकार की, दोनों ही सरकारों ने मिलकर के जो महिला शिक्षा पर अच्छा काम किया है उसके थ्रू नारी को शिक्षा में भी काफ़ी संबल मिला है। तो ये चीज़ है कि हमें अपने अधिकारों को जानना, उनको समझना, उनके बारे में जागरूक होना, और जागरूक होने के बाद उनके लिए अपने आप को खड़े होना दुर्गा बन करके, ताकि हम क्या करें, अपने जो भी अधिकार हैं उनको समाज से प्राप्त कर सकें। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो प्राप्त करें जी। आसानी से अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि हमें उनको प्राप्त करना है। तो हमें एक ही काम करना है कि जागरूक होना है और अपने अधिकारों को सभी को, मैं तो ग्रामीण महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सभी भी अपने अधिकारों को जाने पहचाने और उसके प्रति जागरूक हों, और अपने दम पर खड़े होकर के कुछ कर दिखाने की एक हिम्मत जो होती है नारी में उसको सभी के सामने रखें जी। उर्वशी जी, सरला जी, बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि नारी ने अगर मतलब अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और नारी की जो सब पहली लड़ाई है वह स्वयं है। अगर एक नारी अपने अधिकारों और अपनी शक्ति ने अगर जान जावे तो वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर दृष्टियों मजबूत है, सशक्त है, शिक्षित है। एक साथ में मैं आप एक और चीज़ जानना चाहूँ कि आज शिक्षा को स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गो, आज महिला सशक्त है, हर क्षेत्र में महिलाओं कंधों पुरुषों कंधों कंधों मिलाकर चल रही है और अपनों परचम जो है वो लहरा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां ईयान की है, जी हाँ, पर्दा प्रथा होगी, जी आप बात करना बाल विवाह होगो, कन्या भ्रूण हत्या होगी, इनकी बहुत सारी मतलब है सामाजिक बुराइयां जो आज भी है। तो आप बुराइयां ना आपा की तरीकों दूर कर सका हाँ उर्वशी जी, इसके बारे में आप माँ की दर्शिका ने बताओ। देखिए, परिवर्तन तो आया समाज में। जैसे मैं 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रिंसिपल का काम करके आई हूँ और अब मैं सिटी में भी कर रही हूँ 3 साल से, तो मैं मानती हूँ परिवर्तन तो देखिए समाज में आ रहा है, उत्तरोत्तर परिवर्तन आ रहा है। वो किसके कारण आ रहा है? शिक्षा के कारण आ रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती, देखिए पहले तो 80% हमारे पुरुष लिटरेट थे और 64 लेडीज़ हैं। अभी भी रेशियो कुछ इसी तरीके का है, ऐसा नहीं है कि अपन 50-50 हो गए, अभी भी रेशियो पुरुष का ही ज़्यादा है। तो शिक्षा ही तो आगे बढ़ा रही है महिलाओं को, बालिकाओं को। उससे अब धीरे धीरे देखिए एक साथ एक उसके साथ एक जादू की छड़ी से तो हम समाज को नहीं बदल सकते। समस्त क्षेत्र की महिलाएं और समस्त संगठन और राजनीति के लोग जो बैठे हैं ऊंचे पद पर, वो सभी लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे अपने अपने स्तर पर, तब ये संपूर्ण बदलाव आएगा पूरे देश में। पर परिवर्तन आया है मैं ऐसा मानती हूँ, और शिक्षा के द्वारा ही ये परिवर्तन आ पाएगा, मेरी ऐसी सोच है। तो इसके लिए यही है कि अध्यापक भी अपना प्रयास करें, उनको समझाएं बच्चों को, परिवार में जो बड़े लोग हैं जो शिक्षित हो गए हैं जो नौकरी पे लग गए हैं वो भी प्रेरणा स्रोत बने उन बच्चियों के लिए। तो इस प्रकार से सभी अपनी अपनी जगह पर काम करके बच्चियों को प्रेरणा दें ताकि बच्चियां शिक्षित हों। और स्तर तो चेंज हुआ है और बच्चियां समझ भी रही हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि वास्तव में शिक्षित, देखिए इसको मैं संविधान को मैं मानूंगी कि आर्टिकल्स में अपन को महिलाओं को बराबर का हक दिया है। आप देखिए 315 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें आप देखिए आजीविका में हमें आधा ये नहीं करा है कि हमारे को महिलाओं को कम मिलेगा मेहनताना, बराबर करा गया है। 343 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखिए संविधान की देन है। इस संविधान के बारे में जागरूक होकर महिलाओं को आगे बढ़ना ये ध्येय होना चाहिए हमारा, क्योंकि संविधान बन तो गया है लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। वो किस प्रकार से होगी कि बच्चियां जब स्कूल में पढ़ेंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी, कोई एडवोकेट बनेगी या किन्हीं तरह की प्रोग्राम्स में वो जानेंगी। तो ये हम संविधान को ही जान लें ना, असल में हम अपने संविधान को ही पढ़ लें तो महिलाओं को पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या संविधान ने, हमारे देश ने जिसकी संस्कृति इतनी पूजनीय है, उन हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, और उन अधिकारों के प्रति जागरूक होके ही वो अपने समाज में उनको कर पाएगी अप्लाई, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ पाएगी और समाज को भी उत्थान कर पाएगी जी। सरला जी ने अभी उर्वशी जी बताई हुई है कि भाई सामाजिक बुराइयां जो है वे काफ़ी हद तक कम हुई है क्योंकि आपने संविधान के मायने स्त्री और पुरुष ने बराबर को अधिकार दिए हुए, बस वह अधिकारों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आज भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो भी आज के ज़माने में भी पर्दा प्रथा जो है, आप बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं बाने भी आप पर्दा में देखा, कन्या भ्रूण हत्या का भी आप देखा बहुत मामला होता जा रहा है। तो इस पर आपको कहीं विचार है धरातलीय स्तर पर आपा लोग मिलर की तरीकों, क्योंकि सरकार तो अपना कार्य कर रही है, सरकार तो बच्चों के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है, लेकिन आपा की बुराइयां की तरीकों जो है जड़ों खत्म कर सका, बाल विवाह जैन की बड़ी परेशानी ने किया खत्म कर सका, इस पर आपका कहीं विचार है? देखिए बात करें अगर सामाजिक बुराइयों की तो उनमें जैसे आपने बताया कि पर्दा प्रथा,
तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्वयं की मानसिकता बदलनी होगी। जब नारी पुरुष सभी अपनी मानसिकता को परिवर्तित करेंगे तब जा करके इस बात में हमें ये होगा कि पर्दा प्रथा को हम समाप्त कर सकते हैं। आज हम मानसिकता ये रखें कि नहीं, मैं अपना घूंघट नहीं लूँगी और मेरे सामने आने वाली बहू मेरे सामने घूंघट रखे, तो वो जायज़ नहीं है। हमें उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हाँ, ये भी मेरी बेटी है, जो घर से गई वो मेरी बेटी थी, उसी प्रकार जो आई है वो भी मेरी बेटी है। मतलब आप कह सका कि अपन ने जो सोच है वह बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर लोगों की सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई कि आज बेटा बेटी में कोई भेदभाव को नहीं, सब बराबर है, तो शायद ये जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, ये जड़ों खत्म हो सके। इसके लिए आप सभी महिलाओं ने, परिवार ने, सभी लोगों ने जागरूक होना की बहुत ज्यादा जरूरी है। सरला जी, उर्वशी जी, आप मां की चौपाल कार्यक्रम में पधारे और महिला सशक्तिकरण के लिए जो शिक्षा की महत्वता है के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी आप दोनों को, मां की चौपाल कार्यक्रम में पधारवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भाई बहनों, आज की चौपाल में बस इतोई, फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने टाबरा ने, अपनी बालिकावा ने शिक्षा दो, बना आगे बढ़ाओ, बना आत्मनिर्भर बनाओ और बांको साथ दो। आज की चौपाल में बस इतो ही। राम राम साहब।